हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम। आज बख्तियारपुर ग्राम में छठ पूजा के समारोह में हम लोग सर सफाई कर रहे हैं। जिसको हमारे 6 महीने पे साल में 2 बार आता है छठ पूजा, और हम लोग हर एक साल इसी तरह से श्रद्धालुगण को सफाई करके यात्रा को सुख में बिताते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कितने हमारे छठ पूजा समिति के लोग यहाँ पे विराजमान हैं, और यहाँ हम लोग ग्राम बख्तियारपुर से लेकर देख सकते हैं, ग्राम बख्तियारपुर गांव से लेकर के हम लोग दया रोड पचुरखिया दामनगर तक जाने वाला, या वहां तक हम लोग सफाई करके सभी भक्तगणों को जाने का हार्दिक स्वागत करते हैं। देख सकते हैं हमारे नन्हे बुच्चे से लेकर के हमारे बड़े भाईगण एवं हमारे साथीगण यहां पे उपलब्ध हैं। सभी कोई तन मन धन तीनों से इस सेवा को संपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे ग्राम बख्तियारपुर में किस तरह से सभी में जुनून जुनून और जोश की लहर से ये लोग, जिस तरह से हमारे समुद्र में लहर आता है उसी तरह से ये लोग पूरा रास्ता को सफाई कर रहे हैं, और हम भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप देख रहे हैं औरंगाबाद ब्लॉग। तो फिलहाल दोस्तों, मैं आया हूँ अभी देवरा में, और आप लोग को छठ की हार्दिक शुभकामना। तो देखिए दोस्तों, इधर जो है अभी अर्घ पड़ रहा है और इधर भी अर्घ पड़ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है और आरती भी हो रहा है। देख लीजिए, सभी लोग पूजा कर रहे हैं सूर्य भगवान का। तो दोस्तों, इसके बारे में जो है हमारे दोस्त जो है बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। ये हमारे शिव मंदिर और बगल में ही एक धर्मशाला का आयोजन किया गया है दोस्तों। चलिए आप लोग के ले चलते हैं, मैं बहुत जल्द पहुंचने वाला हूँ। देखिए अभी जो है सारे लोग करके यहाँ से जा रहे हैं, फोन किया गया है। देख लीजिए, सभी लोग जो है यहीं पर रह रहे हैं, प्रसाद रखे हुए हैं सारे लोग। हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि यहाँ पे भी पंडाल का आयोजन किया गया है, यहाँ पे ठंडी में रहने का भी व्यवस्था किया गया है। हमारे जितने भी श्रद्धालु गण हैं यहाँ पे व्यवस्था अपना है बैठे हुए हैं, और ये लोग रात भर यहीं पे, और जैसे कि दिखा देने के बहुत दूर दूर तक हमारे दर्शकगण आए हैं, भक्तगण आए हैं यहाँ पे। और हम आप लोग के आगे सूर्य मंदिर की ओर भी ले चल रहे हैं। कितने जनसंख्या में यहाँ पे विराजमान देवरा स्थान सूर्य मंदिर मैया छठ मैया का पूजा में विराजमान है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग के ले चलता हूँ सूर्य मंदिर, और ये हमारे रंगारंग कार्यक्रम का यहाँ पे आरंभ होता है। श्रद्धालुओं लोग को यहाँ पे मनोरंजन के लिए यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम किया जाता है। चलिए आगे हम आप लोग को ले चलते हैं सूर्य मंदिर। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैं सूर्य मंदिर में आ चुका हूँ, और यहाँ पे हमारे भक्तगण किस तरीका से अंदर जा करके आरती का पुरस्कृत कर रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोग के थोड़ा सा और नजदीकी, मैं तो अंदर तो नहीं जा सकता हूँ, मगर फिर भी मैं आप लोग के बता रहा हूँ अंदर। ये हमारे हवन कुंड है, और ये हमारे सूर्य मंदिर जहाँ पे हमारे श्रद्धालु भक्तगण अंदर जा करके आरती दिखा रहे हैं। तो मैं आ गया हूँ कुनकुन नदी में, जहाँ पे हमारे श्रद्धालु भक्तगण अर्घ देते हैं, और आगे आप लोग को दिखाता हूँ किस तरीके से हमारे श्रद्धालु भक्तगण ईख गाड़ के उसको सुबह में ले जाते हैं प्रसाद के रूप में, और कुछ यहाँ पे छोड़ते हैं। तो चलिए आप लोग को मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ महादेव स्थान, जहाँ पे हमारे शंकर भगवान यहाँ पे विराजमान हैं, और उधर मैं और आप लोग को ले चलूँगा नदी में, और नदी में भी घूम के आप लोग को बताएंगे किस तरीका से यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। ये हमारे शंकर स्थान है, जहाँ पे भगवान महादेव और पार्वती जी को आरती का आयोजन किया गया है, आरती का प्रारंभ हो रहा है। अभी शाम का समय है, संध्या का समय है। चलिए आप लोग के और आगे ले चलते हैं।
तो ये देखिए हमारे पेड़ कितना अच्छे तरीका से यहाँ पे सजाया गया है, ये सूर्य भगवान का मंदिर के बगल में दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। और ये हमारे सूर्य मंदिर कितना अच्छे तरीका से सजाया गया है फूल हार की मोतियों से दोस्तों, बहुत अच्छा बहुत भव्य लग रहा है दोस्तों, वो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल जो है मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ और देखिए इस तरह का जो है सजाया गया है यहाँ पर, देख लीजिए बहुत ही अच्छा तरह से सजाया गया है। और यह जो रास्ता है यही रास्ता जो है मेन रास्ता है, और जो आप लोगों को पहले रास्ता दिखाए थे वो जो है शॉर्टकट था, क्योंकि उससे जो है थोड़ा सा दिक्कत होता था आने जाने में, क्योंकि वह रास्ता नहीं था ऐसे ही चट्टान था, चट्टान से बनाया गया था। देखिए किस तरह से सजाया गया है, बहुत ही बढ़िया तरह से सजाया गया है, और नीचे जो है कारपेट बिछा दिया गया है ताकि धूल कण ज़्यादा ना उड़े। देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। फिलहाल जो है हम जो रास्ता था वहाँ से निकल गए, और ये जो आप लोग देखें पीछे देख रहे हैं रोड, यह जो है गया से दाऊद नगर की ओर जाता है रोड, और ये जो देख रहे हैं मेन गेट है, और इसी गेट से जो है जो सूर्य मंदिर का रास्ता है, और इसी रास्ता से जो है आप लोग जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर भी करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।